हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरोमेटिक अमाइन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरोमेटिक अमाइंस क्या क्या होते हैं। एरोमेटिक अमाइंस का मतलब होता है वो अमाइंस जो एरोमेटिक हो, यानी कि उसमें एक रिंग प्रेजेंट हो और अमाइन ग्रुप अटैच हो। सबसे पहले देखते हैं बेंजीन के साथ एक NH2 ग्रुप अटैच होता है, उसको हम एनालिन कहते हैं, वो फर्स्ट डिग्री अमाइन होते हैं। नेक्स्ट जो होता है एन मिथाइल एनिलीन होते हैं, वो 2 डिग्री अमाइंस होते हैं, जिसमें एक बेंजीन के साथ एक NH ग्रुप और साथ में CH3 जो मिथाइल ग्रुप होता है वो अटैच होते हैं, वो 2 डिग्री अमाइंस होते हैं। नेक्स्ट जो उस अमाइंस होते हैं 3 डिग्री अमाइंस, उसको कहते हैं NN डाई मिथाइल एनिलीन। जो NN डाई मिथाइल एनिलीन होते हैं वो उसको 3 डिग्री अमाइंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं उसके प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं। पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं उसके रिडक्शन, या उसको कहते हैं हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। जो नाइट्रोबेंजीन होते हैं उसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमको एनिलीन फॉर्म हो जाता है, जो कि एक एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमोनोसिस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड। जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं उसके साथ अमोनिया का रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एक क्लोरोबेंजीन होता है उसके साथ एक अमोनिया का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो बनाता है एनिलीन। जो एक बेंजीन होता है उसके ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है, एनिलीन फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एक बेंजामाइड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है NaOH की प्रेजेंस में और फॉर्म करता है एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद फिनॉल एंड अमोनिया। जो फिनॉल होता है उसके साथ अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में तो फॉर्म करता है एनिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड। जो एजो कंपाउंड होते हैं उसका रिडक्शन करा देते हैं तो हमको मिलता है एनिलीन। जो डाई एजो बेंजीन होता है उसको निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो फॉर्म करता है 2 मोल्स ऑफ एनिलीन, जो कि एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन। जो एनिलीन होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टी, पहला देखते हैं हम लोग बेसिक कैरेक्टर। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं उसके बेसिक कैरेक्टर्स को हम लोग देखते हैं। जो एनिलीन होता है उसको HCl यानी कि एनिलीन बेसिक नेचर का अगर होगा तो HCl यानी कि एक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा साल्ट, तो बना रहा है ये एनिलीनियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट होता है। तो हम जानते हैं कि जो एक बेसिक नेचर का कोई कंपाउंड हो अगर उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो एक साल्ट फॉर्म कर रहा है। तो ऑन द होल हम देख रहे हैं कि जो एनिलीन है वो एक एसिड हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनिलीन होता है वो एज ए बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। देखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन होता है, फर्स्ट डिग्री अमाइन, सेकेंड डिग्री अमाइन या थर्ड डिग्री अमाइन। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेचर का होता है सेकेंड डिग्री अमाइन होता है। ये देख लीजिए सबसे लेस जो होता है फर्स्ट डिग्री अमाइन, उससे ज़्यादा सेकेंड डिग्री अमाइन, और सेकेंड डिग्री अमाइन से भी लेस होता है थर्ड डिग्री अमाइन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में जो अमाइंस होते हैं एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं सेकेंड डिग्री अमाइन। नेक्स्ट फिर से एल्काइलेशन होता है तो बनाते हैं थर्ड डिग्री अमाइन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है कि जो एनिलीन होते हैं वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं एसिटेनालाइड। जो एसिटेनालाइड होता है ये एनिलीन और एक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद बनते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेंजाइलेशन। बेंजाइलेशन में क्या होता है जो एमाइंस होते हैं वो बेंजीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं बेंजोनाइलाइड। जो बेंजोनाइलाइड होते हैं उसको फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, या इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिफ्थ बेस। जो सिफ्थ बेस होते हैं उसका फॉर्मेशन या जो एनिलीन होता है उसका रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करते हैं। तो जब हम फर्स्ट डिग्री अमाइन का रिएक्शन करते हैं तो बनाता है ये सिफ्ट बेस। जो सिफ्ट बेस होता है उसमें एक बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं और इनडायरेक्टली उससे अटैच होता है एक एल्किल ग्रुप। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ फर्स्टजीन। जो फर्स्टजीन गैस होता है उसके साथ अगर एनिलीन रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। जो एनिलीन है फर्स्टजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक मीडियम कंपाउंड बनाएगा, पुनः वो रिएक्शन करके एनिलीन आइसोसाइनेट बनाएगा। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनिलीन के ऑक्सीडेशन। एनिलीन का रिएक्शन सोडियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उससे कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो बनाता है बेंजाक्विनोन, जो कि एक डाई होता है येलो कलर शो करता है। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराएंगे, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एनिलीन का रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले फॉर्म करता है फिनाइल हाइड्रोक्सी अमाइन। नेक्स्ट पुनः हम उसको तो फॉर्म करेगा नाइट्रेसो बेंजीन।
व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनिलीन इज हाई, जब एनिलीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तब क्या बनाएगा, एनिलीन रिएक्शन करके एजो बेंजीन, यानी कि टू मोल्स ऑफ एनिलीन आपस में अटैच होकर एक एजो बेंजीन कंपाउंड बनाएगा जो कि कलर डाई होते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पहला हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में पहला देखते हैं ब्रोमिनेशन, जब एनिलीन के साथ ब्रोमीन रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, जो एनिलीन होता है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है H2SO के प्रेजेंस में तो बनाता है एम नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है, जब एनिलीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो बनाता है सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ कार्बन डाई सल्फाइड, जो कार्बन डाई सल्फाइड होता है उसका रिएक्शन एनिलीन के साथ होता है तो फॉर्म करता है डाइथायोकार्बोनिक एसिड। ये डाइथायोकार्बोनिक एसिड का जब पुनः हम लोग रिएक्शन कराएंगे AgNO3 के प्रेजेंस में तो बनाता है एनिलीन आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, जो नाइट्रस एसिड होता है उसका रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ यानी कि फर्स्ट डिग्री एमाइन के साथ कराते हैं 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के एसिडिक मीडियम में तो फॉर्म करता है डाइजोनियम साल्ट। इसको हम लोग देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट के सिंथेसिस में भी। नेक्स्ट रिएक्शन जब सेकेंड डिग्री एमाइन के साथ नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा एसिडिक कंडीशन में तो बनाएगा नाइट्रसो अमाइन। नेक्स्ट जब थर्ड डिग्री एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा पैरा नाइट्रसो अमाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ डाइजोनियम साल्ट, जो डाइजोनियम साल्ट होते हैं उसके साथ अगर अमाइन का रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करता है, जो अमाइन होता है डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके बनाता है पैरा अमीनो डाई एजोबेंजीन, जो कि रेड ऑरेंज डाई होते हैं।